नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। इसी तबाही के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में जा चुकी है और आपको इसका पता भी नहीं चला। इस युद्ध के केंद्र में कोई बड़ा हथियार, मिसाइलें या फिर एटम बम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वायरस है। इस वायरस का वजन परमाणु बम के द्रव्यमान से भी लाखों करोड़ों गुना कम है, लेकिन इस वायरस में भी दुनिया को तबाह करने की असीम शक्ति समाई हुई है। इसी वायरस के दम पर चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया है। चीन इस विश्व युद्ध की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। चीन इस युद्ध को 3 चरणों में अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसका पहला चरण है दुनिया को धोखा देना, दूसरा चरण है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाना, और तीसरा चरण है दुनिया के लोगों का दमन और शोषण करना। आपको बताते हैं कि विश्व युद्ध की पहचान क्या होती है। इसकी पहली पहचान होती है हर तरफ मौत और दुख का पसर जाना। इसकी दूसरी पहचान है अर्थव्यवस्थाओं का दम तोड़ना। तीसरी पहचान है जरूरी चीजों की आपूर्ति में कमी आना। चौथी पहचान है नए इलाकों पर कब्जा करना। और पांचवी और आखिरी पहचान है नई ताकतों का उदय। आप गौर करेंगे तो आपको ये पांचों बातें इस समय आपके आसपास घटित होती दिखाई देंगी। पूरी दुनिया में करीब 27 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस वायरस से ऐसे लड़ रहा है जैसे वो तीसरी दुनिया का देश है। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए, जिस देश को दुनिया का लीडर कहा जाता था, जिस देश के बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया की कोई भी समस्या अपनी सैन्य ताकत या फिर पैसों के दम पर सुलझा सकता है, वो देश आज अपने हजारों लाखों लोगों का जीवन नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में अब पूरी दुनिया में अमेरिका का भला क्या महत्व रह जाएगा? यानी चीन बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए सिर्फ एक कीटाणु के दम पर अमेरिका को घुटनों पर लाने में सफल रहा है। वायरस सीमाएं नहीं देखता और इसकी सबसे ज्यादा मार विकसित और अमीर देशों पर ही पड़ी है। फ्रांस में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इटली में 25,000 से ज्यादा, तो ब्रिटेन में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी दम तोड़ रही हैं। इस वर्ष दुनिया की GDP -3 रहने का अनुमान है। 1930 के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी दस्तक दे चुकी है। अमेरिका में करीब 2,60,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका में इस समय बेरोजगारी दर 1930 के बाद से सबसे ज्यादा है। फ्रांस जैसे देश में तो प्राइवेट नौकरी करने वाले 50% लोगों के पास आज रोजगार नहीं है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां सस्ते दामों पर खरीद रहा है। यानी चीन चाहता है कि आने वाले समय में आपकी तनख्वाहें चीन से ही आए। पूरी दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए जिन उपकरणों और दवाइयों की जरूरत है, उनकी भारी कमी हो गई है। चीन अब पूरी दुनिया को घटिया मेडिकल उपकरणों की सप्लाई कर रहा है और उसने इस महामारी के बीच भी मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया के करीब 26.5 करोड़ लोगों के पास भोजन की भयंकर कमी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 55 देश ऐसे हैं जिनके पास इस वर्ष के अंत तक पौष्टिक भोजन की कमी हो जाएगी। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।